अभी बोकारो जिला में जो कार्यक्रम है, एक कार्यक्रम के बारे में, हम दीवार नहीं बनना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के लोग सुनने आए हैं, हम तो रोज बोकारो में सुनते भी है और सुनाते भी हैं। ये जो योजना आया है, इस योजना के तहत सारे लोगों को, आप देख सकते हैं, सर्वधन पेंशन अब गांव में खोजने से नहीं मिलता है, वृद्धा पेंशन वृद्धा लोग अब खोजने से नहीं मिलता है। सारे लोग को हम लोगों ने ये योजना के लाभ देने का काम किया है। अभी आप लोग के बीच हमारे भाई विधायक गोमिया बड़ी अच्छे अच्छे बात बोल रहे थे, हम इनको आभार प्रकट करता हूँ, लेकिन यहाँ कुछ बोलेंगे और अपना मंच जाएंगे तो कुछ बोलेंगे, बोलते हैं ये स्पष्ट करें किधर हैं, 1985 में है या 32 में है, स्पष्ट करें कहे कहे 85। यही लोग का सहयोग से सदन में रघुवर जी पास किए थे और अभी भी लोग बोलते हैं, अभी भी बोलते हैं, जब मंच में जाते हैं तो 1932 का बोलता है झुनझुना है। अरे भाई, झुनझुना नहीं है, ये बड़ा चीज है, ये बड़ा चीज झारखंड के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। और आज इस पेपर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा किए हैं, स्पेशल सत्र बुलाकर हम 1932 का सदन में ये लागू करवाने का काम करेंगे और पिछड़ा का आरक्षण देने का काम करेंगे। हमारे आदरणीय लंबोदर बाबू, यदि ईटा बेस लागो तो जल्दी इंदे आ जाओ, उन्दे मत रहो, उन्दे बड़ी गड़बड़ लोग खत्म, काली गड़बड़े लोग खत्म, उसे विकास से मतलब ना है, भाजपा के विकास से मतलब ही ना है। यहाँ 15 साल राज कर लो लेकिन एक पेंशन नहीं पूरा कर पा लो। अभी बिजली के बात करें, रघुवर दास जी गोमिया में ही घोषणा किया था कि मेरा बिजली सब काम पूरा हो गया, तभी बाकी कैसे बैग लो बताओ, कैसे बाकी बैग लो, गोमिया घोषणा किया था। इसलिए हम तो कहो तो जल्दी इंदे आओ, देर मत कर, स्वागत हो। यदि काम चाहे एक से स्कूल, हमारे आदरणीय हेमंत बाबू का विभाग है, उच्च शिक्षा डिग्री कॉलेज दिए हैं, आप कहाँ रहे बोल, कभी कभी तो बोल दे हैं, बोल विधायक मंत्री जी दूसर विभाग ले लो, ये हो तो जान ले लंबोदर बाबू। दूसर विभाग हम लेना ही हो, ये हो जान ले, और तो जो पटिया उन्हें दूसरे विभाग के बल पर हो, दूसरे विभाग के बल पर उठा, यदि यदि तो यदि तो आज तो आज तो यदि आज घोषणा कर कि हम शराब विरोधी है, शराबबंदी है, तोर पास एक लोग नहीं रहते, एक नहीं रहते बता देंगे, गारंटी साथ कोई हो, लेकिन तो आज आए हैं तो स्वागत हो, तो बोलने से हम बोल रही हो ना, तो नहीं बोलते लियो, नहीं बोलते लियो। अभी हमारे ये जो सिलेनास उद्घाटन का, जब यहाँ सारे लोग को बुलाया गया था, आदरणीय सांसद जी धनबाद हो या गिरिडीह हो, वो लोग को विकास से मतलब ही नहीं है। लंबोदर बाबू रख रहे हैं,
जरूर अच्छा बात रखे हैं, वो लोग भी आना चाहिए और अपना बात रखना चाहिए। हमारे हेमंत बाबू ऐसे लोग हैं, सभी का बात सुनते हैं। अभी देखे वहां से कागज दिखा रहे थे, लाके पहुंचवा लिए। ए ए पार्टी का नेता नहीं है, ए सर्वजन नेता है, सभी का काम करते हैं, सभी का काम करते हैं। और इनसे यदि काम नहीं करा पाएगा तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं जिंदगी में कोई काम नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। और जो आज ये रफ्तार चला लो 2024 तक खोजले काम नहीं मिलते, जिस तरह सर्वजन पेंशन में आदमी नहीं मिल रहा है, इसलिए आप लोग सारे लोग तैयार होकर 24 के पहले एक काम क्षेत्र में बाकी नहीं रहना चाहिए। इन्हीं चंद बातों में अपना वक्त समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।